मेरा पेनिस अंदर दब गया है या मेरा पेनिस अंदर अंदर खींचे जा रहा है या मेरा पेनिस छोटा हो गया है करके काफ़ी सारे लोग हमारे तरफ आते हैं और सवाल करते रहते हैं। अभी मैं आज बात करूंगा बरीड पेनिस के बारे में कि जो पेनिस दिखता नहीं है, दिखने में बहुत छोटा लगता है या सचमुच अंदर घुसा हुआ ऐसा लगता है। एक तो उसका कारण यह है कि जब आप ऊपर से देखते हैं, ऊपर से, और हरदम लोग ऊपर से ही देखते हैं, तो नेचुरली एब्डोमेन का मतलब पेट का जो फैट है वो सामने आता है और उसमें उनको छोटा दिखता है, तो उनको लगता है कि छोटा हो गया। एक कारण वो हो सकता है, मतलब एक्चुअली छोटा नहीं है मगर दिखने में छोटा दिखता है। तो देखना है तो सामने से देखेंगे, आईने में देखेंगे, शीशे में देखेंगे तो बराबर लंबाई मालूम पड़ जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, सचमुच बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल फैट हो सकता है। बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल फैट मतलब इतनी सेंट्रल ओबेसिटी, आपको मालूम है कि BMI बॉडी मास इंडेक्स वो बहुत यदि ज़्यादा है, 30 के ऊपर है, बहुत ज़्यादा फैट है, तो नेचुरली पेनिस उसमें सचमुच दब जाता है फैट के अंदर और मालूम नहीं पड़ता कि पेनिस है करके। दूसरा ये है कि कभी कभी थाई जो है, थाइस मतलब पैर, जो पैर का ऊपर का भाग, जांग जो है, उसके चमड़ी के अंदर, मतलब बहुत चमड़ी मोटी मोटी रहती है, उसमें कभी वो लिगामेंट्स को अटैच हो जाता है, स्किन को अटैच हो जाता है, इसलिए दब जाता है। स्क्रोटम जो है, जो थैलियाँ रहती है, जो अंडकोश है, उसकी चमड़ी मोटी होती है और उसमें मोटी चमड़ी में पेनिस कभी कभी नीचे दब जाता है, उसके अंदर दब जाता है। और एक कारण है, वो है लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा मतलब हमको लिम्फ ग्लैंड्स रहते हैं, हमारे बॉडी में लिम्फ ग्लैंड्स रहते हैं, वहाँ से बहुत सारा फ्लूइड जो है ना वो ड्रेन होते रहता है। अब वो ड्रेन हुआ नहीं तो नेचुरली लिम्फेडिमा होता है, मतलब स्क्रॉटम बड़ा दिखता है और वो बड़ा दिखने के बाद में पेनिस उसमें दब जा सकता है। वैसे हाइड्रोसिल का है, यदि जो अंडकोश है उसमें पानी जमा हुआ है तो बहुत बड़े बड़े हाइड्रोसिल्स हो जाते हैं, अंडकोश बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और उसमें भी पेनिस बहुत छोटा दिखने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है, एक्चुअली पेनिस छोटा दिखता है क्योंकि वो अटैच्ड है, स्किन को अटैच है, लिगामेंट्स जो है नीचे के अंडर बाजू के जो उसमें अटैचमेंट आ जाता है उसको, और वो छोटा दिखने लगता है। अब इसमें कारण क्या है वो हमने देखा, अभी हम देखेंगे फिर उससे होता क्या है। उससे होता है कि पेशाब करने में तकलीफ होती है, दर्द भरी पेशाब हो सकती है, साफ पेनिस की चमड़ी यदि मोटी है, पेनिस छोटा है तो साफ सफाई के सवाल आते रहते हैं और फिर बार 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 इन्फेक्शन हो सकता है। यदि पेशाब करने में तकलीफ हो रही है तो फिर क्या होता है कि पेशाब करते करते वो कभी ड्रॉप्स कपड़े के ऊपर गिर जाते हैं, कभी थाइस के ऊपर मतलब पैर के ऊपर गिर जाते हैं और फिर उसमें बहुत गंदगी पैदा हो जाती है, कभी कभी स्क्रोटम के ऊपर भी ड्रॉप्स यूरिन के गिर जाते हैं। कुछ लोगों को इसके वजह से इरेक्शन नहीं आता, लिंग में कठोरता नहीं आती, और वो भी एक कारण हो सकता है कठोरता नहीं आने का, या फिर ऐसा छोटा पेनिस रहा तो फिर लोगों को लगता है कि भाई ये छोटा है और फिर उनकी मानसिकता खराब हो जाती है, डिप्रेशन आता है, उनको एक सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम आता है, जब जब लोग कंपेयर करते तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये जो है इसका इलाज करना होगा। अब इलाज क्या करते हैं, इलाज इसका सर्जिकल इलाज हो सकता है कि जो अटैचमेंट्स है वो अटैचमेंट निकालो, उसको फ्री करो। दूसरा इलाज है कि जो फैट जमा हुआ है एब्डोमेन के ऊपर वो फैट निकालो, और फैट निकालने की अलग अलग सर्जरीज होती है, वो सर्जरीज करो जिससे वो नॉर्मल दिखना चालू हो जाएगा और जो दबा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। और फैट जब निकालते हैं इसका मतलब ही वेट लॉस है, वेट लॉस जब होता है तो नेचुरली वेट लॉस में फैट कम हो जाएगा तो नेचुरली पेनिस का साइज़ बड़ा दिखेगा, और उसके साथ साथ पेशेंट का काउंसलिंग करना भी जरूरी है क्योंकि काउंसलिंग करते तो उसका जो डिप्रेशन है या उसका जो सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। तो पेनिस एक्चुअली छोटा होना तो एक्चुअली छोटा रहता नहीं है मगर वो अटैचमेंट के वजह से छोटा होता है, जो अटैचमेंट हो जाता है या थाई या स्क्रॉटम की स्किन ठीक है और वहाँ नीचे अटैचमेंट हो गया इसलिए छोटा दिखता है, या फिर एब्डोमिनल फैट की वजह से छोटा दिखता है। दोनों इसमें उसका इलाज हम कर सकते हैं और पेशेंट ठीक हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामूज की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट
कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।